हेलो गाइस, ये वीडियो में हम रेम सीजन 2 का एंडिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और स्टोरी भी रिकैप करेंगे। सीजन 1 का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो लेट्स बिगिन एंड गाइस प्लीज ये वीडियो लाइक कर देना, एज ये वीडियोस बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगता है। सो कैन वी गेट अराउंड 100 लाइक्स। द रेन की कहानी एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड दिखाता है जहां एक खुफिया वायरस लगभग सबको मार चुका है। पहले सीजन में हम दो बच्चों को देखते हैं, सिमोन और रास्मुस, जिन्हें उनके पिताजी, जिनका नाम डॉक्टर फ्रेडरिक है, एक बंकर में छोड़ जाते हैं और इसी बीच उनके पिताजी का बनाया हुआ वायरस दुनिया खत्म कर देती है। उसके बाद 6 साल तक वो बंकर के अंदर ही बिताते हैं। फिर कुछ सर्वाइवर्स लाइक मार्टिन, बेट्रिस, पैट्रिक, लिया और जीन को वो मिलते हैं और वो सब फ्रेडरिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। पहले सीजन हमने सारे मेन कैरेक्टर्स जो है उनको थोड़ा बहुत बैक स्टोरी देता है और इन बारिशों में सब मरने के बाद दुनिया कैसे बन चुका है वो हमें देखने को मिलता है। सारे कैरेक्टर्स के बीच में जो रिश्ते हैं और उनका केमिस्ट्री भी दिखाया जाता है। सिमोन और रास्मुस का बाकी ग्रुप के साथ अच्छा बने लगते हैं और ये भी देखने को मिलता है कि इस नई दुनिया में हर एक आदमी खुद के लिए जीते हैं और सब अपने सोचते हैं। इवन खाना और पानी के लिए लोग कत्ल भी कर सकते हैं क्योंकि बारिशें सारी पानी को दूषित कर चुकी है। हमने कुछ लोगों को देखा है जो कैनिबलिज्म तक जा चुके हैं, उन्हें भी मिलता है। फिर फाइनली जब सिमोन और रास्मुस अपने डैड से मिलते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि वायरस का ओरिजिनल चीज रास्मुस के अंदर ही है। इसके मतलब शायद वही क्योर है या वही दुनिया खत्म करने वाला है। दूसरा सीजन शुरू होता है जब ग्रुप एपलन से भागता है, वही शैतान ऑर्गेनाइजेशन जिसमें उनके पिताजी फ्रेडरिक काम करता था। पिछले सीजन के आखिर में हम एक हिंट मिला था कि जो लोग एपलॉन चलाते हैं वो रास्मुस को सिर्फ क्योर बनाने के लिए नहीं चाहते हैं, वो असल में वायरस को हथियार की तरफ यूज करना चाहता है और अगर उनके पास डिजीज और रेमेडी दोनों ही हो जाए तो उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा और पैसे वाले और पावरफुल होने से। वायरस के बारे में हमने और ज्यादा जानने को मिलता है इस सीजन में और उसके और रास्मुस के कनेक्शन के बारे में और डिटेल्स पता चलता है। ग्रुप मिलके उसके लिए क्योर ढूंढने की कोशिश करते हैं। फ्रेडरिक के मरने के बाद फ्रेडरिक को एपलॉन के आर्मी गोली मार देती है और एपलॉन के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में काफी लोमटे खड़े कर देने वाली चीजें पता चलती है। सीजन की आखिर तक वायरस पूरी तरह से रास्मुस के शरीर पर कब्जा कर लेती है और एक इनविंसिबल फोर्स बन जाती है। एंडिंग का मतलब क्या है और होता क्या है? वायरस के बारे में कुछ क्ल्यूज पहले सीजन में ही दिया गया था। वो सब कुछ का एक क्योर होने वाला था और सब कुछ इंसानों को बेहतर बनने के लिए। लोगों पर जो वायरस छोड़ा गया था वो जो रास्मुस के पास था वो सेम ही था, शायद थोड़ा डाइल्यूटेड वर्शन था या कुछ और। वायरस खुद में ही क्योर है ये तो हम कह सकते हैं क्योंकि रास्मुस के पास जो टर्मिनल डिजीज था वो ठीक हो गया था, लेकिन जो लोगों को बीमारी नहीं उन्हें अफेक्टेड किया वो वायरस। एक और पॉइंट है जो इस थ्योरी को और ज्यादा कन्फर्म कर रहा है, वो है सारा। सारा के साथ होता क्या है? फाइनल सीन्स में हम देखते हैं सारा मर जाके फिर बच जाती है। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। सारा एक और ऐसे कैरेक्टर है जिसको कोई लॉन्ग टर्म बीमारी थी, उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक था कि कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन उसकी मौत का वजह बन सकता था। रास्मुस के साथ उसका काफी गहरा बॉन्ड बन जाता है और वो काफी समय एक साथ बिताते हैं। जब रास्मुस क्योर हो जाता है और एपलॉन उसे ले जाता है तब उन लोगों को भागना पड़ता है और इन सब में सारा को गोली लग जाती है और वो मर जाती है। और ये दूसरी वो लड़की थी जो उसे प्यार करने के बाद ही मर जाती है, लेकिन उसके बाद फिर से जिंदा हो जाती है। हमें ये पता है कि वायरस टच करने से नहीं स्प्रेड होता है क्योंकि रास्मुस जब सिमोन को टच किया था वो इन्फेक्ट नहीं हुई थी। सारा को रास्मुस मरने के पहले किस करता है और उसे वो इन्फेक्ट हो जाती है और शायद क्योर हो जाती है, वो भी रास्मुस की तरह ही हो जाती है। वायरस क्या है बारिश में? रेन का पूरा कॉन्सेप्ट इस वायरस का एग्जिस्टेंस पर ही बना है। कहाँ से आया है और रास्मुस को छोड़कर ही सबके लिए क्या ये जानलेवा है? शो के पहले 2 सीजन में काफी सवालों का जवाब मिले हमने, लेकिन अभी भी एक मिस्ट्री रह चुका है। रास्मुस जब बहुत छोटा था तो वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ चुका था। तब उसका पिताजी जो एक बहुत बड़े बायोसाइंटिस्ट थे,
अपना सब कुछ लगा दिया था उसके लिए कोई इलाज ढूंढने के लिए। आखिर इस ज्ञान का क्या फायदा अगर अपनों के ही काम ना आए। हम अब ये कह सकते हैं कि वायरस सिर्फ रास्मुस के लिए नहीं बनाया गया था। एपोलोन पहले से ही इंसानियत को बचाने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। फ्रेडरिक ने जो बनाया था वो बिल्कुल पहले के स्टेज में था और कोई ह्यूमन पर उसका जांच नहीं किया गया था। फ्रेडरिक को पता था कि उसका बेटा किसी भी तरह से बर्बाद हो चुका था, इसलिए उसने उस पर जांच करने का फैसला किया। ये चमत्कारी का काम कर दिया था। रास्मुस फिर से ठीक हो गया था और एपोलोन को भी जो चाहिए था वो मिल गया। अब अगर कोई कुछ चीज पूरे देश में वितरित करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? तो इसे या तो फूड या पानी में डालते हैं। एपोलोन ने बारिश को यूज करने का फैसला लिया, लेकिन उस चीज से संक्रमित करने के लिए जो उन्होंने सोचा था कि उन्हें मजबूत कर देगा। मोरओवर ठीक उसके विपरीत हुआ। जैसे ही कोई लोग उनके संपर्क में आए हैं उनकी मौत हो गई। क्या एपोलोन को वायरस जारी होने से पहले ही पता चल गया था? ये उनके बेवकूफी की वजह से जो चीज हुआ उससे पता चला। ये सभी एक रहस्य रह गई है। फ्रेडरिक को पता था कि वो रास्मुस के लिए आएगा, इसलिए वो उसके बच्चों को छुपा दिया था बंकर में जब तक वो बाहर निकले और उन्हें अपना रास्ता मिल गया। इस समय तक उसने महसूस किया था कि वायरस ने वास्तव में क्या किया और रास्मुस इसके साथ कितना खतरनाक था। इसलिए वो सिमोन को चेतावनी देता है कि या तो उसका इलाज ढूंढे या उसके भाई को मार डाले। नाउ रास्मुस के इम्यूनिटी के बारे में पहले मैं सोचा कि ये एक वैक्सीन जैसा कुछ था और आपको एक बीमारी के कमजोर रूप के साथ इंजेक्ट किया जाता है ताकि आप इससे लड़ने के लिए मजबूत एंटीबॉडी डेवलप कर सके। शायद ये रास्मुस के लिए कुछ ऐसा ही था। शायद वो वायरस कमजोर था जब उसे इसका साथ इंजेक्शन लगाया गया था और वो उसे जीवित कर सकता था। दूसरे सीजन के एंड तक ये पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गया था कि मूल रूप वास्तव में सबसे मजबूत था। ये रास्मुस के शरीर के भीतर लगातार म्यूटेट करता रहा और जब वो इमोशनल रूप में कठिन फेज से गुजर रहा था तब उसने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। बीट्रिस का मौत रास्मुस बहुत पर्सनली ले लेता है बिकॉज वो उसका पहला प्यार था। वो बचपन से बंकर में थी और पहली बार किसी लड़की के इतना क्लोज हुआ था अदर देन हिज ओन सिस्टर। बीट्रिस की मौत के बाद रास्मुस के अंदर ऐसा कुछ होता है जिससे उसके शरीर में वायरस का भी इफेक्ट बढ़ने लगता है एंड इट स्टार्टेड टू गेट वर्स। अगर पहले उसके ऊपर कोई क्योर इंजेक्ट किया होता तो शायद कुछ हेल्प मिलता, लेकिन अब वायरस बहुत ही एडवांस हो चुका है और रोकना भी मुश्किल हो गया है। रास्मुस वायरस को कंट्रोल भी कर पा रहा है और उसको एक वेपन की तरह यूज कर रहा है। ये शो एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक ड्रामा से टॉपिक चेंज होके काइंड ऑफ सुपर पावर्स रिलेटेड बन गया है। एक और भी इंसान था जिसके ऊपर क्योर आजमाया गया था। मार्टिन और पैट्रिक जाके एक लैब में देखते हैं जहां वो आदमी के ऊपर वो दवा इंजेक्ट करते ही वायरस उसका पूरा शरीर को ही एक्सप्लोड कर देता है। वो एपोलोन का लैब था और मार्टिन और पैट्रिक वहां ब्लड में मैग्नेट का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गए थे। वो दोनों बहुत ही डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वायरस से बचना मुश्किल है और अगर सिमोन रास्मुस के ऊपर ट्राई करने की कोशिश करेगी तो वायरस सबको मार सकती है। लेकिन इट वॉज टू लेट। लिया अपना जान गवा देती है सिमोन को बचाने के लिए। लेकिन अजीब बात यह है कि एपोलोन के लैब में वो आदमी वायरस एक्सप्लोड होकर मर जाता है लेकिन रास्मुस नहीं मरता है। इसका मतलब उसके अंदर स्पेशलिटी कुछ तो है जो उसे बचा रहा है, लेकिन ये हम सिर्फ सीजन 3 में जान पाएंगे। द रेन सीजन 3 का वीडियो लेके हम आएंगे बहुत जल्दी, सो डू सब्सक्राइब। सो दैट्स इट गाइस, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर और कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो सब्सक्राइब करना चैनल को एज वी अपलोड वीडियोस कंटिन्यूअसली एंड टेक केयर एंड बाय।